फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज ये प्लास्टिक की जो चौकियाँ होती हैं, फुट स्टूल भी बोलते हैं, छोटा स्टूल भी है ये बोलते हैं, जो बाथरूम में यूज़ होता है या घर में कहीं भी बैठने उठने में यूज़ होता है। तो ये देखिए, इसको मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी। तो सबसे पहले पोंछ के साफ़ किया मैंने, उसके बाद ये देखिए वाइट एक्रेलिक पेंट है, इसको किया है इस पर, तो इसको करके सुखा दिया। सूखने के बाद देखिए, ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर से मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगी, तो डेक्यूपोज भी बोलते हैं जिसे, वो करूँगी मैं इस पर। तो ये देखिए, इसको मैंने फेविकॉल लिया है और फेविकॉल में पानी, बराबर मात्रा में पानी और फेविकॉल लेके अब इससे उसको मैं चिपका रही हूँ। तो पूरा ऊपर लगाया है मैंने इसको, फुटस्टॉल को लगाते जा रही हूँ एक एक कॉर्नर से धीरे धीरे उठा के, जैसे आपको लगाना है उस पर मैंने बिछा लिया उसको, और बिछाने के बाद फिर उसको धीरे धीरे उठा के। और फ्रेंड्स, एक और इसकी मैंने लेयर निकाली है, वो शायद इसमें दिख नहीं पाया, इसके नीचे जो लेयर रहती है जो टिश्यू पेपर में, तो वो निकाल देना है। तो उसको देखिए, ये आधे में अभी देखो लगा है इस तरह से, उसको कहीं से बच गया है तो ब्रश से अच्छे से उसको चिपका देंगे। तो पूरा जो ऊपर का लेयर है उस पर ही पूरा आ जाएगा, थोड़ा बड़ा टिश्यू पेपर है। ये चौकी जो है वो भी बड़ी है थोड़ी, ये फुट स्टूल जो बोलते हैं, तो उसके देखिए इस तरह से, और पूरा कॉर्नर पे भी इसको करके अच्छे से चिपका देंगे, ये कॉर्नर्स में, साइड में पूरा देखिए इस तरह से कॉर्नर सेट करना है, पूरा फिनिशिंग साथ कट करके फिर लगाया है। ये पूरा ऊपर से हो गया है फिक्स। अभी एक कोट दिया है मैंने इसके ऊपर, और से ये जो फेविकॉल और पानी मिलाया है ऊपर से इसको, जैसे कि ये अगर कहीं कुछ बच गया है चिपकने से तो और थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा मतलब इसको हार्डनेस मिलती है इससे, जिससे थोड़ा सेफ रहता है। टिश्यू पेपर है तो इसकी बल्कि दो कोट करूँगी मैं, ये एक कोट फिर सूख जाएगा फिर दूसरा कोट। तो ये पूरा करने के बाद इसको ये पूरा एक अच्छे से चारों तरफ जहाँ जहाँ टिश्यू पेपर है ये देखिए पूरा चारों तरफ अच्छे से। तो ये फ्रेंड्स, ये स्टूल है, बहुत यूज़फुल है, लेडीज़ कहीं भी घर में कोई बैठता है या फिर कोई भजन कीर्तन है या कोई भी आके बैठे हैं तो उनको नीचे नहीं बैठना है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। एकदम चेयर पे बहुत ऊंचा कोई बैठना नहीं चाहता तो उसके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो मैं बना रही हूँ, आप देखिए, बहुत यूज़फुल है ये आपके लिए भी। ये देखिए, अब ये इसके जो अच्छे से, बहुत अच्छे से कोट किया है और उसके बाद उसको सूखने के लिए रख देंगे। जो सूखने के बाद ये देखिए, इसके जो ये लेग्स हैं, पाए जो बोलते हैं उसको, तो उसमें मैंने टिश्यू पेपर से मैच करते हुए, इसमें रेड दिख रहा है कलर, थोड़ा मरून शेड है तो मरून शेड किया है मैंने, चार पांचों पाए में, बीच में भी जो है उसमें भी, सब में करके फिर इसको सुखा देंगे। देखिए चारों तरफ हर पाए में अच्छे से करा है, और इसमें भी मैंने दो कोट किए, जैसे अच्छे से एक कहीं भी कोई ब्रश के जो ब्रशल्स दिखते हैं वो ना देखें। ये देखिए, ये सूख गई है और ये नीचे से पेंट भी सूखा है, देखिए कितना सुंदर लग रही है बनने के बाद। आप इसको खुद भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, प्लीज़ ट्राई करें। अब ये देखिए दूसरी है, दूसरा स्टूल जो है इसको भी मैं पहले पेंट कर लूँगी। एक कोट पेंट किया है मैंने, इसमें डबल कोट नहीं किया है क्योंकि मेरे को ऊपर कपड़ा लगाना है। तो देखिए, मेरे पास कुछ रुमालें रखी थी तो मैं रुमाल से ही इसको बनाऊंगी। इसमें चार रुमाल का यूज़ होगा, ये देखिए, ये बीच में ऊपर एक पूरा रुमाल लगाऊंगी और साइड से काट काट के, ये एक सेट में जैसे आती है रुमाल तो कुछ प्रिंट एक सा रहता है, कलर कुछ अलग रहता है, उसी तरह की मेरे पास रखी थी तो उसी को मैं देखिए काट के कुछ मैच कर रही हूँ। ये ऑरेंज किनारी मैंने निकाल दी है क्योंकि मेरे को ब्लू किनारी से मैच करना है,
और प्रिंट भी चाहिए मुझे, तो प्रिंट तो सेम मिल जाएगा, हल्का कलर में अंतर है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक सा ही दिखेगा, प्रिंट एक सा है इसलिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लेग्स में लगाना शुरू करूँगी। तो इसमें मुझे ये देखिए फेविकॉल को मैंने इसमें पानी डाल के पतला नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि रुमाल है, कपड़ा इतना पतला नहीं है, इसलिए ये देखिए इस तरह से पाए में, चारों पायों में रुमाल के पीसेस लगा लूँगी इस तरह से। देखिए अच्छे से फिनिश करें, थोड़ा अच्छे से प्रेस करने से रिंकल्स नहीं आते हैं, दबा के थोड़ा, जिससे कि बीच में कहीं एयर ना रह जाए और थोड़ा अलग से कुछ का हुआ है जैसे या रिंकल ना आ जाए। तो ये देखिए इसी तरह से सब पाई में लगा लूँगी। लगाने के बाद ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, प्रिंट बहुत अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या एक उपयोग है कि आपको अगर पेंटिंग नहीं आती है या पेंटिंग में टाइम भी बहुत लगता है, तो उसमें ये डॉक्यूपच का बहुत अच्छा यूज़ है, क्योंकि आप इस तरह से काट के तो जिसको नहीं आती है पेंटिंग वो भी कर सकता है। तो इस तरह से ये देखिए चारों पाए में लगाया, ऊपर जो पीसेस काटे थे मैंने साइड में लगा दिए, अब ये रुमाल को इस तरह से किनारी मोड़ दिए मैंने, जैसे कि किनारी प्रिंट तो एक जैसा है और किनारी अलग अलग ना दिखे, तो एक मैंने किनारी किसी की भी नहीं ली और इसको भी फोल्ड कर दिया है इस तरह से। ये देखिए लगा के फिक्स कर दिया, अब इसको देखिए तो बढ़िया एकदम एक्स्ट्रा कुछ भी दिख रहा है, कट करते जाएं। इसकी किनारी को मैंने स्टिच करके मोड़ा है, बल्कि आप इसको चिपका भी कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। ये देखिए अब इसको एक कोट इसके ऊपर भी मैं ये फेविकोल का किया है मैंने और सुखा के, उसके बाद फिर मैंने क्लियर वार्निश भी यूज़ की है सभी पर। ये देखिए पहले भी की थी, ये लास्ट में क्लियर वार्निश का एक दो कोट भी कर सकते हैं। ये कपड़ा है इसमें एक कोट इनफ रहेगा, और वो दूसरे में ये देखिए कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है, सूख गई है। तो फ्रेंड्स ट्राई करें, बहुत बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है, तो बहुत अच्छी दिख रही है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, ये कहाँ रुमाल रखी थी मेरे पास उसी का बनाया है, बहुत सुंदर बन के तैयार है। इस पर आप कुछ भी ड्राइंग रूम में, कोई कॉर्नर में, कहीं भी रख सकते हैं, इस पर कुछ वास रखना हो। ये देखिए अब ये तीसरा पीस है, ये भी इसको मैंने पेंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसमें ये जो वाटरप्रूफ जो है ये सेल्फ एडहेसिव पेपर है, तो इसको मुझे इसमें लगाना है, तो ये काफ़ी मोटा है इस तरह का, तो इसमें मुझे पेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी पेंट का यूज़ नहीं हुआ है। और ये देखिए इसको मैंने इसके साइज़ का इस तरह से काट काट के चारों पाए में लगाएंगे पहले, और बस उसको भी हाथ से दबाते जाइए जिससे कि इसमें रिंकल्स ना आए बस, बाकी इसको कुछ भी चिपकाने के लिए कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिपका ऑलरेडी इसमें अंदर चेप रहता है, जिससे आराम से ये बहुत अच्छे से पकड़ लेता है, चिपक जाता है। ये देखिए जहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा दिखता है उसको कट लगा के फिर फोल्ड करें, और इसमें तो ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन कहीं भी करना है तो जिससे कि रिंकल ना आए, एक अगर बिना किए करेंगे तो उसमें सलवटें आ जाएंगी। तो इस तरह से देखिए चारों पाए मुझे करने हैं। ये देखिए ये देखिए कितना आसानी से हो रहा है ये। ये पेपर्स आपके आसपास कहीं मिल सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे, तो आप भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन से ले सकते हैं या आपके आसपास कहीं मार्केट से ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसानी से, तो ये फ्रेंड्स बहुत सुंदर पीसेस बनके तैयार होंगे, बहुत सुंदर। ये चौकी है, जो स्टूल है,
कहीं भी रखिए आप, उसका लुक बहुत अच्छा आता है तो, और बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये प्लास्टिक का इस तरह से रखना, अब ये देखिए तो वाटरप्रूफ है, इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, और में भी मैंने किया है तो लगाया, उसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं और यूज़ करें, बैठने में या कहीं ड्राइंग रूम में, इसमें कहीं वास रखना है, कुछ ऊपर से कुछ शोपीस रखना है, तब भी यूज़ कर सकते हैं, भगवान के वहाँ भी रख सकते हैं, कुछ भी कहीं भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर का टॉप है, उसके लिए मैंने कट किया है, तो आप मेज़रमेंट से कट करें और ये देखिए इसको हटाते जाएं थोड़ा थोड़ा, एकदम पूरा नहीं हटाना है, नहीं तो वो थोड़ा बस में नहीं आता है और फिर रिंकल्स आ जाएंगे। तो ये देखिए इतना सा हटाया मैंने, ये जब तक क्लियर ना आए। और ये देखिए मैंने कट लगाया जहाँ, ये देखिए क्लियर आना चाहिए एकदम, बहुत अच्छा और बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप देखिए इसको आप लोग घर पर ट्राई करें, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की भी आवश्यकता रहती है, जिससे कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे देखेंगे, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो हम लोग को भी बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है, कुछ आगे कुछ और अच्छा करने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ये देखिए ओवरलैप हो रहा था, मैंने इसको कट करके निकाल दिया, क्योंकि ओवरलैप में ये बहुत अच्छे से चिपक नहीं पाता है, इसलिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर बनके तैयार हुई, एकदम जस्ट लुक ऐसे लग रहा है ना, मार्बल जैसा है कुछ, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये फ्रेंड्स आप लोग ट्राई करें और बनाएं, और फिर आपको क्या कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में डालें।